टुडे इज़ योर उर्दू क्लास एंड आई एम योर उर्दू टीचर मिस मंतशा। टेक आउट पेज नंबर 28 इन योर उर्दू बुक। आपको अपनी उर्दू की बुक में पेज नंबर 28 निकालना है। और बच्चों, इसमें आज हमारा टॉपिक है मद। हमने ज़ेर भी पढ़ लिया, ज़बर भी पढ़ लिया है, पेज भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मत। मत कैसा होता है? ऐसा होता है। और मत के साथ साथ हम पढ़ेंगे जज्म। जज्म दो तरीके के होते हैं, एक तो जज्म होता है ऐसा और एक जज्म होता है ऐसा। ठीक है बच्चों? और हम मत का कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे हमारे अलिफ़ की आवाज़ होती है अलिफ़ आ, जब हम अलिफ़ पर मद लगा देते हैं तो हमारे अलिफ़ की आवाज़ जो है वो डबल हो जाती है। अलिफ़ मद आ, उसे हम खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अलिफ मद आ गाफ साकिन आग, अलिफ मद आ मीम साकिन आम, अलिफ मद आ रे अलिफ ज़बर रा आ रा। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको जज्म दिख रहा है, गाफ के ऊपर लगा हुआ है। जज्म का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमें सेकंड वर्ड को फर्स्ट वाले से जॉइन करना होता है, जोड़ना होता है, तब हम वहाँ पर जज्म का यूज़ करते हैं। जज्म का इस्तेमाल दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अलिफ मद आ गाफ साकिन आग, अलिफ मद आ जिम साकिन आज, अलिफ मद आ नून साकिन आन, अलिफ मद आ लाम साकिन आल, अलिफ मद आ पे साकिन आप, अलिफ मद आ मीम साकिन आम, अलिफ मद आ सीन साकिन आस, अलिफ मद आ रे साकिन आड़, अलिफ मद आ ठे साकिन आठ, अलिफ मद आ बे साकिन आम, अलिफ मद आ रे अलिफ ज़बर रा आ रा, अलिफ मद आ रे ये ज़ेर री आ री, अलिफ मद आ रे वा पेशड़ू आड़ू, अलिफ मद आ खे रे ज़ेर खीर आखिर, अलिफ मद आ दालमीम दालमीम ज़बरदम आदम, अलिफ मद आ ज़े रे ज़बर ज़र आज़र, अलिफ मद ज़बर आ लाम है, अलिफ मद आ लाम है ज़बर ला आला, अलिफ मद आ सीन फे ज़ेर सिफ आसिफ, अलिफ मद आ रे ज़े ज़बर रस ज़े वा पिज़ू आरज़ू। बच्चों, यहाँ पर दो जज्म हैं। हमने पहले जज्म का यूज़ जो किया है वो अलिफ़ को रे से जोड़ने के लिए किया है, और दूसरे जज्म का जो यूज़ किया है वो वाव को ज़े से जोड़ने के लिए किया है। ठीक है, अलिफ मद आ पे अलिफ ज़बर पा आ पा। यह आपका पेज की रीडिंग हो गई। एक बार फिर से रिविज़न करते हैं। आग आम आरा, आग आज आन आल, आप आम आस आड़ आठ, आब आरा आरी आड़ू आखिर आदम, आज़र आला आसिफ आरजू आपा। बच्चों, इस पेज की आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके बच्चों, आज जो चैप्टर हमने पढ़ा है ये वर्क आपका उसी से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिख के दिया है, आपको दिख रहा है इसमें जो है वो मद लगा हुआ नहीं है, तो आपको हमें यहाँ मद लगाना है। मद लगाइए। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, मद जो होता है वो हमेशा अलिफ पर लगता है। तो यहाँ पर अलिफ गाफ अलिफ मीम अलिफ नून इस तरीके से लिखा है। हम इसे लफ्ज़ बनाएंगे। अलिफ मद आ गाफ साकिन आग, अलिफ मद आ मीम साकिन आम, अलिफ मद आ नून साकिन आन, अलिफ मद आ लाम साकिन आल, अलिफ मद आ पे साकिन आप, अलिफ मद आ सीन साकिन आस, अलिफ मद आ रे साकिन आड़, अलिफ मद आ बे साकिन आप। बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है।